भारतीय जनता पार्टी युवा नेता रोहन कुंडलेकर के कार्यालय का उद्घाटन संपन्न किया गया। महेश चौगले जो कि विधायक हैं, उन्होंने रिबिन काट करके इस कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ में उनके जो उनके करीबी लोग हैं सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। खास करके रोहन कुंडलेकर को सब ने आगे बढ़ने की कामना की। उनके साथ में युवा अध्यक्ष परेश राजू चौगले भी वहाँ पर उपस्थित थे, साथ ही विकास जैन। इनके अलावा भारी संख्या में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। विधायक महेश चौगले ने रोहन कुंडलेकर को वहाँ पर कुर्सी पर बिठा और उन्होंने कहा कि इस कार्यालय से लोगों की जो समस्याएँ रहेगी उस समस्या का निदान होगा, समस्या यहाँ से लोगों का खत्म किया जाएगा। खास करके जो भी मदद लगेगी हम सब रोहन कुंडलेकर के साथ में, ऐसे वक्तव्य वहाँ पर विधायक महेश चौगले ने दिया। हम आपको लेकर चलते तस्वीर दिखाने के लिए। लोगों ने अपने वक्तव्य में इन्हें बधाई के रूप में रोहन कुंडलेकर को क्या कहा, क्या क्या कहा है, लेकर चलते हैं सुनाने के लिए। खास तस्वीर देखिए, ये कार्यालय के उद्घाटन। आज रोहन जो हमारे सब ग्रुप में उनके पिताजी से लेके आज तक बीजेपी में पहले से कार्य करते आ रहे हैं, हमें तो लेट आया, उससे पहले वो आए यानी रोहन सुधीर कुंडलेकर। तो अभी आज पिताजी ने तो पार्टी के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज रोहन भी वो पार्टी में उतरा है और आज पिताजी के माध्यम से उन्होंने इधर के लोगों की सेवा करने के लिए एक अच्छा ऑफिस खोला है और आज युवा में वो आज महासचिव में काम कर रहा है। तो जैसे हमने शुरुआत की थी, जैसे मैंने शुरुआत की थी युवा में पद लेके, वैसे रोहन ने किए हैं और ऐसा हमारी दिली इच्छा है कि आगे जाके बढ़ के वो हमारे लेवल या हमारे से ऊपर चला जाए। और ये अच्छी उससे शुभेच्छा देता हूँ और भगवान से आशीर्वाद देता हूँ, वो आगे बढ़े। मैं ये बोलना चाहूँगा कि भिवंडी में जो बीजेपी का वातावरण है बहुत ही अच्छा और एकदम साफ सुथरा है। यहाँ पे भिवंडी में जितने भी लोग हैं सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उसी में हमारे कार्यकर्ता भी हर जगह फैले हुए, हर जगह कुछ ना कुछ कार्य करके लोगों का दिल जीतने का काम करते हैं। उसी में से रोहन एक ऐसा बोलते कमल हमारे में है कि वो ऐसा खिला हुआ है कि मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको कि रोहन कुंडलेकर जो है वो उपाध्यक्ष के पद पे था पार्टी में युवा मोर्चा के। जब मुझे पद मिला मैंने उसको उपाध्यक्ष के पद पे लिया था, लेकिन मुझे एक जानी हुई कि इसमें एक कला है काम करने का, मतलब एक जुनून है, तो इसे कहीं ना कहीं से मुझे ऊपर लेके जाना है इनको। मतलब जो जगह आज मैं खड़ा हूँ वो जगह वो भी हासिल कर सकता है, ऐसा उसमें एक जुनून है। तो मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह से सफलता प्राप्त करते रहे। आज वो महासचिव है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो कल युवा अध्यक्ष भी बने भिवंडी से। तो यही मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सफलता वो प्राप्त करते रहे। हमारे मित्र युवा मोर्चा के हमारे सहकारी जिला सचिवनीस रोहन जी कुंडलेकर, इन्होंने आज जो इस जनसंपर्क कार्यालय का यहाँ पर ओपनिंग आमदार साहब के हस्ते किया है, मैं पहले तो तहे दिल से रोहन जी को यहाँ पर शुभेच्छा देता हूँ। और जिस तरह हमारे नेता सम्माननीय आमदार श्री महेश चौगले जी ने कहा, हमारे अध्यक्ष राजू चौगले ने जो बताया कि रोहन में एक अच्छी काबिलियत है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका राजकीय सामाजिक जीवन में काम आगे आगे बढ़ता रहे। बहुत अच्छा काम उन्होंने पिछले टाइम किया है, आगे बढ़ते रहे। और आमदार महेश चौगले जी को नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा को और अच्छा पद पे लाने के लिए रोहन जी काम करते रहेंगे और उनके कुछ राजकीय सामाजिक इच्छा है वो भविष्य काल में सफल हो, यही मैं विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के सामने प्रार्थना करता हूँ। सन्मान्य आमदार महेश चौगले यांच्या नेतृत्वाखाली आधीपासून तर काम करत होतो, पण कुठेतरी एक लोकांना भेटायसाठी स्थळ नव्हता, तो आज स्थळ इथे भेटला आहे। नक्कीच याच्या पुढे पण याच जोमाने काम करेल व अजून पार्टीचा व आमदार महेश चौगले यांना सपोर्ट पडेल असा हे करेल।